अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो अपने अपेक्षा का जो ये है, ये काफ़ी बड़ी लोकेशन के अंदर है, अपने 200 बीघा का समथिंग ये पूरी लोकेशन है। और देख सकते हो आप इस साइड में 13 तो इसके अंदर टोटल गार्डन है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं विला के पास में। तो ये इस साइड में विला है और इस साइड में भी विला है। तो भैया बताइए, भैया जी इनके बारे में बताइए जी। ये आप इस साइड में जो देख रहे हैं, ये अपन ये 1 BHK विला बना रखा है। 1 BHK जो विला है, इसके अगर डायमेंशन की अपन बात करेंगे तो 15 फीट का अपन इसका फ्रंट रखा है और 30 फीट की इसकी लंबाई रखी है। क्या है सर, इसकी टोटल कितना गज में है ये? ये 50 गज में बना हुआ है। 1 BHK है सेपरेट, और एक रूम हो गया, लेट बाथ हो गया, बेसिक जो है वो सारी चीजें इसमें बना रखी है। तो दोस्तों एक बार अंदर चल के देखते हैं इस वाले को। इसमें जैसे ही अपन एंट्री करेंगे, एंट्री करते के साथ ही अपन ने विला के साथ में इंडिविजुअल जो सेपरेट है वाटर टैंक का इसमें स्पेस दे रखा है जी। आई वाटर टैंक से अपन यहाँ आगे चलते हैं, अंदर अपन ने बहुत अच्छा एक लिविंग एरिया का स्पेस दे रखा है। और लिविंग एरिया में इधर पूरा आराम से अपना सोफा सेट हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, उसके लिए प्रॉपर अपन ने अच्छा स्पेस इसमें छोड़ रखा है। इसके जस्ट सामने की साइड आते हैं अपन, तो ये अपन ने पूरा प्रॉपर इसमें किचन के लिए स्पेस छोड़ रखा है। 50 वर्ग गज में आप देखेंगे बहुत अच्छी इसमें हमने किचन बना रखी है। ये अपना इसी के साथ मास्टर बेडरूम हो जाता है, और मास्टर बेडरूम में अपन ने एक बेड हो गया, बेड लगने के बाद में भी एक अच्छा स्पेस बच जाता है, इतनी अच्छी अपन ने मास्टर बेडरूम की साइज निकाल रखी है। साथ में अपन ने साइड में वार्डरोब के लिए भी स्पेस दे रखा है। और सबसे अच्छी बात की इसके साथ साथ अपन ने वेंटिलेशन का इसमें पूरा प्रॉपर ध्यान रखा है। आप देख पाएंगे कि इधर अपन ने वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर स्पेस छोड़ रखा है, जिसमें आप चाहे तो कूलर हो गया और हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगवा सकते हैं जी सर जी। और इसी के साथ अपन हॉल से आते हैं, तो ये एक तरह से अटैच भी हो गया हॉल के साथ में। अपन ने ये कॉमन वॉशरूम के लिए स्पेस छोड़ रखा है, और वॉशरूम से अपन पीछे की साइड चलते हैं जी, उस पर अपन ने यहाँ पे एक छोटी गैलरी दे रखी है जो रूम के साथ में भी कनेक्टेड है। इधर से वेंटिलेशन भी हो गया और एक जो वॉशिंग एरिया है उसके लिए भी यूज में आ जाएगी जी जी सर। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने 50 गज के अंदर जो विला है ये, और सामने सर सामने ये कितने, ये 50 गज के हैं जी? ये 88 गज में, 88 स्क्वायर यार्ड में जी। ये अभी जो अपन ने दोस्तों देखा है वो 1 BHK विला था, 2 BHK विला है, 2 बेडरूम और 1 किचन जी। हाँ, दो बेडरूम है इसमें। और इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो इसका 20 फीट का फ्रंट होने वाला है और 40 फीट की इसकी लंबाई है जी। इसमें जैसे अच्छी साइज में स्पेशियस अपन ने इसमें वाटर टैंक का स्पेस दे रखा है, और आप देखेंगे ग्रीनरी के लिए भी अपन ने इसमें, आप चाहे तो छोटा गार्डन टाइप में यहाँ पे बना सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर जो है स्पेस इसमें छोड़ रखा है जी सर। जैसे अपन एंटर करते हैं विला के अंदर एंटर करते हैं, अपन ने बहुत अच्छी एक ओपन जो है किचन इसमें बना रखी है। इसके साथ इधर अपने डाइनिंग स्पेस है, लिविंग एरिया है जो, उसके लिए बहुत अच्छा स्पेस छोड़ रखा है। और जैसे आगे की साइड आते हैं, या आप देखेंगे ये एक रूम अपन ने बना रखा है इसको के उसमें भी यूज ले सकते हैं, अच्छा स्पेशियस रूम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बेड लगने के बाद में, अलमीरा लगने के बाद में भी बहुत अच्छा स्पेस निकल गया है इसमें जी सर। इसके अलावा सकते हो दोस्तों ये एक और इसी के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो 2 BHK में इसमें अपन ने 2 लेट बाथ बना रखे हैं। ये वाला जो स्पेस है यहाँ अपन ने कॉमन जो है वो लेट बाथ इसमें बना रखा है, हॉल के साथ में अटैच कर दिया इसको। और दूसरा अपन रूम में चलते हैं, यहाँ एक इस रूम में अपन ने अटैच वॉशरूम भी बना रखा है, और इसके साथ में आप देखेंगे कि सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी है, अपन ने यहाँ पे एक बहुत अच्छे स्पेस के साथ में गैलरी भी बना रखी है इस रूम में, जिससे पूरा जो विला है पूरा ये क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में अपन ने बना रखा है जी सर। दोस्तों अपने जो घर होता है उसकी तो फील ही अलग होती है। और ये इस साइड में सर ओपन किचन है जी, तो देख सकते हो दोस्तों इस साइड में ओपन किचन है, और वेंटिलेशन का काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। काफी शानदार नक्शे के थ्रू ये विला जो है बनाई हुई है, और थोड़ा सा इसमें सर अपन बाहर का भी दिखाना चाहेंगे दर्शकों को जी सर। जैसे इसमें अपन विला की बाहर की तरफ आते हैं, तो आप ये पार्क देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही 13 बड़े पार्क इसमें होने वाले हैं। इस सोसाइटी को हमारी पूरी कोशिश है, हमने जो इस पे पूरा ध्यान दिया है, हम एक नया आधुनिक अजमेर जो है, अजमेर का एक नया लैंडमार्क बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया 1100 विला है, सब में अपन ने अच्छे स्पेस, जैसे ये सामने का जो पार्क है इसमें पूरे के अंदर ओपन है ना, अब ओपन में अपन ने झूले लगा दिए,
बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है उसका स्पेस छोड़ दिया, और इसके अलावा साथ ही आप अगर इधर राइट में देखेंगे थोड़ा सा दर्शकों को दिखाएंगे तो इधर अपने पूरे जो 3 BHK विला है और इसके अलावा डुप्लेक्स 3 BHK और सारे उनका काम अभी चल रहा है। दिवाली तक हम इसमें काफी फैमिलीज जो है उनको शिफ्ट करवा देंगे। अभी काफी सारे विला अपने रेडी टू मूव भी है जो बन के पूरे कंप्लीट तैयार हो चुके हैं जी सर। तो अब सर हम लास्ट में कर लेते हैं प्राइसिंग की बात। जी प्राइसिंग की बिल्कुल बिल्कुल तो सही। सर ये 50 गज के और दो मॉडल है अपने घर विला के अंदर, तो ये सर ये 50 गज वाला इसकी इसमें देखिए ये अभी अपन ने जो 50 वर्ग गज का जो विला देखा है 1 BHK ये विला है अपने 10,90,000 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा जो 88 स्क्वायर यार्ड 88 गज में अपन ने जो विला देखा है इसकी प्राइस होने वाली है 19,90,000 रुपए। इसके अलावा 3 BHK 4 BHK ओपन प्लॉट हर तरह की इन्वेंट्री अपने पास में अवेलेबल है। 50 वर्ग गज का खाली प्लॉट जो है वहां से लेके अपने पास में 4 BHK विला तक इसमें इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। प्लॉट की रेट क्या है? प्लॉट की रेट की अगर बात करें तो 8,900 रुपए पर स्क्वायर यार्ड अपने प्लॉट की रेट है, और सबसे अच्छी बात प्लॉट अपना जो है 80-90% लोनेबल भी है। 80-90% तक का प्लॉट पे अपने लोन हो जाएगा, ADA अप्रूव्ड है जी सर। तो वो लोन के लिए जो होता है वो हाँ जो ऑल जो लीडिंग बैंक है लाइक BOB हो गया HDFC हो गया उन सबसे अपन फाइनेंस करवा रहे हैं जी सर। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस विला के अंदर इस खूबसूरत लोकेशन के अंदर अगर आपको खुद की जगह के अंदर अगर आपका मकान चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर है उसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस लोकेशन पे आप अपनी खुद की जगह पे अपना मकान बना सकते हैं और या फिर बना बनाया ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।